हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हमारे आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू पेयर वाईफाई इन सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल। आप अपने सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल के अंदर किस तरीके से वाईफाई को पेयर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, वाईफाई को पेयर करने के लिए आपको अपने मोबाइल के फ्रेंड्स सेटिंग ओपन करना है। मोबाइल सेटिंग ओपन होते फ्रेंड्स आपका जो सैमसंग का मोबाइल है, इसलिए फ्रेंड्स वाईफाई पेयर करने के लिए कनेक्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वाईफाई पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने कई सारे नेटवर्क देखने को मिल जाते हैं वाईफाई के नेटवर्क। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे वीवो का यहाँ पे वाईफाई देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, जैसे कई सारे वाईफाई देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं कई सारे वाईफाई नेटवर्क देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पे एम डी किंग नाम पे क्लिक करता हूँ क्योंकि इसका पासवर्ड मुझे पता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम पासवर्ड एंटर कर देंगे तो कनेक्ट पे ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना है और आपका वाईफाई इसलिए पेयर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने वाईफाई को पेयर कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।